Hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So यार अभी सुबह सुबह है और मैं काम पे जा रही हूँ. कॉफ़ी ली है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था नाश्ता करने का. बस जल्दी जल्दी से तैयार होकर भाग रही हूँ. दिस कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट. कैसे फटाके निकल रहे हैं इस कॉफ़ी से. I love this coffee, Georgia. It's very hot. ठंड में ना मुझे नज़ला हो रहा है अभी ठंड में. My train is coming. Next stop, subway station. So 30 minutes का रास्ता है तो मैं गाना सुन सुन के जाऊँगी. So I love these kind of एयरपोर्ट्स. और मैं एक ही यूज़ करती हूँ, ओनली वन. ये खुला करते हैं. अभी ना लगता है कि मैं इस स्टेशन में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है पीछे. मेरे ना दांत में बड़ा दर्द हो रहा है. कल मैंने मीट खाया था ना तो मेरे दांत में हमेशा मीट फंस जाता है तो टूथ एक हो रहा है, दर्द हो रहा है. और माउथ वॉश भी यूज़ किया है फिर भी मैं हमेशा मुझे प्रॉब्लम होता है जब भी मीट खाती हूँ. पीछे वाले दांत में मैं यदि गंदी हूँ. मेरा स्टेशन आ गया. अभी ना ये पूरी बस साफ़ कर देगी वायरस की वजह से. पूरी बस में स्प्रे होती है यहाँ पर देखो. इसके बाद ये है ना सारा साफ़ करेगी. और मुझे भी बाहर इधर वेट करना पड़ेगा जब तक वो स्प्रे करके आए. और अभी सुबह सुबह है ना तो मेरी ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं हो रही. नाश्ता भी नहीं किया है तो इसलिए बाद में मिलते हैं. पूरा साफ़ कर दिया. तो यहाँ पे बस में जैसे ये हैंडल्स वगैरह है जहाँ से नॉर्मली लोग पकड़ पकड़ के चलते हैं तो वो सारे कुछ ना साफ़ कर दिए हैं. और उसके अलावा अभी बस आ गई हूँ बस में. बाद में काम पर जा रही हूँ फिर घर जाके मिलते हैं या फिर किसी और एक्टिविटी में. और ये ना मेरा लंच है जो सबवे का है, सैंडविच एंड कोका कोला. और ये एग मायो एग सैंडविच. ये वाला जो चप्पल है ना ये ना बस कुछ ही टाइम चलेगा. जैसे ना अभी ठंड आ रही है ना तो ठंड में ऐसा वाला सैंडल नहीं पहन सकते. उसके अलावा जूते पहनने पड़ेंगे गरम गरम. और ना गर्मियों में तो ये चलेगा नहीं, बस ऑटम में चलता है. लेकिन ऑटम में ये पहनने से थोड़ी गर्मी लगती है तो पता नहीं कौन से सीज़न में ये पहनते हैं. लेकिन अभी पहन रही हूँ, अभी अच्छा वेदर है. लेकिन कुछ टाइम में ही वेदर चेंज हो जाएगा सो इसको वापस अंदर रखना पड़ेगा जहाँ से निकाला है. तो ये है मेरा शाम का खाना, मतलब शाम का नहीं अभी अभी घर आई हूँ. और उसके अलावा ये चाय. आउच गरम, मग इतना गरम हो गया. ओवन में गरम किया ये. कल की चाय बच गई थी ना, फ्रिज में रख दी थी, ओवन में गरम. और अभी ना मैं थोड़ी देर में बिग बॉस देखूँगी थोड़ा और उसके बाद में पढ़ाई करती हूँ. तो सी यू लेटर, बाय. ये जो है ना वो है एग मायो, बॉइल्ड एग और मायो एंड काली मिर्च. बहुत ही टेस्टी होता है, मज़े का. एंजॉय. हाय. अभी ना ये है मेरा काम, माय नोट्स एंड मेरा लैपटॉप जिसपे पता नहीं क्या क्या बना हुआ है. अभी पढ़ाई का टाइम है. तो ये वाला लैपटॉप है ना ये साइज़ में बहुत बड़ा है लेकिन हैवी है, कहीं लेके नहीं जा सकती घर बैठ के. बहुत अच्छे से इसमें काम होता है ग्राफिक डिज़ाइन का. लेकिन उसके अलावा इसमें स्क्रीन बहुत बड़ी है तो बहुत आसानी होती है, अच्छा होता है. और ये टच स्क्रीन है. क्या खुल गया. तो यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है ना वो मैं पाकिस्तानी ड्रेस के ऊपर काम कर रही हूँ. तो इसलिए मैंने जो पीपीटी है वो पीपीटी बहुत कोरियो में बनाते हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या है. और ये ऐसे पाकिस्तानी ड्रेस लेके फिर पाकिस्तानी ट्रेडिशनल ड्रेस में क्या काम होते हैं
और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे, ये मैंने डिज़ाइन किए थे कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस मॉडर्न स्टाइल में वो, तो ये सारे पीपीटी की मुझे तैयारी करनी है। फिर अभी ना मैं देखती हूँ 3-4 घंटे शायद पढ़ाई करूँ। और कोरिया में ना ऐसा कल्चर है कि टीचर कम पढ़ाता है लेकिन पीपीटीज प्रेजेंटेशंस बहुत होते हैं, तो हर हफ्ते ना हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है और टीचर फिर उस प्रेजेंटेशन के बेसिस पे क्रिटिक्स करता है, बात करता है, तो ऐसे हर हफ्ते प्रेजेंटेशन चलती रहती है। मेरे साथ ये होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उनका थ्योरी बेस्ड पढ़ाई है, लेकिन उसने भी ये बताया था कि लेक्चर से ज़्यादा प्रेजेंटेशन चीज़ वो बहुत चलती है। तो मुझे ना इसका क्या कहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में जो काम करना है वो मैं ब्रांडिंग का करती हूँ, मतलब जैसे पोस्टर डिज़ाइन हो गए, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन हो गए, या शॉपिंग बैग डिज़ाइन, पैकेज डिज़ाइन, तो वो सारे मुझे इस प्रोजेक्ट लेके काम करना है। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं है, तो अच्छे से कंप्लीट कंप्लीट हो जाए मैं सब कुछ प्रिंट आउट भी करवाऊंगी असल में, जैसे प्रिंट आउट होता है ना शॉपिंग बैग एक ब्रांड का, जैसे मुझे एक ब्रांड बनानी है अलग से। तो बहुत सारे काम है इस सेमेस्टर में, बहुत बिजी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यूट्यूब करती हूँ और कोरियन विद सादिया 19 चैनल भी चलाती हूँ, उसके अलावा पढ़ाई करती हूँ, पार्ट टाइम करती हूँ। तो कभी कभार क्या होता है कि आप अंडरस्टैंड किया करो वीडियो जब लेट आ रही हो, स्पेशली कोरियन चैनल में जब वीडियो कभी 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 कभार लेट हो जाए, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, मतलब ज़्यादा बिजी हूँ। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अभी चलो पढ़ाई करते हैं, मैं फ्रेश हो गई हूँ, असल में मैं बहुत टायर्ड हूँ, सुबह से उठी हुई हूँ, कल रात भी कम सोई थी, लेकिन पढ़ाई करनी है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ना चलो पढ़ते हैं। आप लोग भी जिस जिसको पढ़ाई करनी है जाके अपने अपने बुक्स लेके बैठ जाओ और मिलते हैं कुछ देर के बाद। मैंने आईब्रोज भी नहीं बनवाए, बनाए खुद तो बनवाती नहीं हूँ, इधर कोई बनवाने वाला नहीं है, तो खुद बनाना पड़ता है। आईब्रोज नहीं बनवाए, आई मीन बनाए क्या, बाय। मेरे हाथ में बहुत सामान है तो इसलिए आज ना मैं जा रही हूँ एक दावत पे, पाकिस्तानी दावत पे, तो उम्मीद है बहुत मज़ा आएगा, एंड मैं आप लोगों को भी लेके जा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी तैयार होके आ जाए दावत में। माय ड्रेसिंग, असल में किसी के घर अब जब हम जाते हैं तो कुछ लेके जाना पड़ता है, मतलब ये एक अच्छी बात है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लेके जाऊँ, फ्रूट्स लेके जाऊँ या क्या, तो मैंने नट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो ही शायद अच्छा होगा, तो इस वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी भाग भाग के जल्दी जल्दी जाऊँ। और या बस आई एम सो एक्साइटेड। ट्रेन में ना ये सारे साइंस दिए हुए होते हैं कि यहाँ पे खड़े रहो, फिर ना अपना पाँव वगैरह संभालो, ये पूरा कोरियन में लिखा हुआ है, ये है कोरियन लैंग्वेज। और उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ऊपर स्टेशन के नाम लिखे हुए हैं, ये स्क्रीन्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे पूरे, और क्या है अंडरग्राउंड में है सब वे कैसे, और ये है शिंदांग। मैंने अभी भी ट्रांसफ़र लिया था तो अभी मुझे ग्रीन लाइन में जाना है, ब्राउन से ग्रीन, तो अभी ट्रेन आने वाली है, ग्रीन लाइन, ग्रीन कलर की ट्रेन, सब कुछ ग्रीन, ये भी ग्रीन। सो फाइनली आई एम एट सोंगसु स्टेशन एंड आई स्टॉप। आसमान देखो कैसा हो गया है, ऐसा कलर क्यों हो गया है पता नहीं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अमान अल्लाह भाई, हाय उर्वा, उर्वा हाय उर्वा, उर्वा जी सिंगल चुका हमने का, अभी ना बच्चों की बर्थडे हमने ना सिंगल चुका हमने का, आज उर्वा बच्चे खुश हो रहे हैं, किसकी बर्थडे। फाइनली अमान अल्लाह भाई के घर पहुंच गए, खाने में पूरा ध्यान है और माशाल्लाह से बहुत ही यमी खाना लग रहा है, यमी यमी। तो ये कौन सा खाना है बताएं? पेशावरी खाना है कुछ, अच्छा ये गोश्त है पेशावरी, और ये नॉर्मली बिरयानी टाइप है। ओके, और क्या क्या है, ये क्या है, ये जो है रेशन सैलेड टाइप का है। हम सब खाना खाते हैं, बाद में मिलते हैं, बाय। जाइद भाई, जाइद भाई का ध्यान पूरा खाने में, अभी हमारा पूरा ध्यान सिर्फ खाने पर है, बाय।
बिरयानी बहुत ही टेस्टी है। कोरियन टीचर अभी दिखाऊंगी, तो आप लोग उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। और अभी ना देखते हैं कौन है हमारा कोरियन टीचर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं पाकिस्तान में नौशेरा कैंट के शहर से रखता हूँ। यूट्यूब का चैनल बना के जो मेरे पास डेटा है उसको मैं लोगों को सिखाऊँ, लेकिन ड्यू टू टाइम ऑफ शॉर्टेज टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मेरी जो स्पीड है थोड़ी कम है, लेकिन चल उसमें बढ़ाऊँगा स्पीड को। ये आया ना इंग्लिश में समझ रहा है, वो कोरियन में समझ रही है, तो अभी क्वेश्चनिंग चल रही है। और ये ना जलेबी भी है शिजांग से। कोरिया के केक भी ना बहुत मजे के होते हैं ना, क्रीमी और, लेकिन लिमिट पे खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। तो अभी ना मैं घर आ गई और सबसे पहला जो काम है वो होता है मेकअप उतारना। तो मेकअप उतारने से बहुत ही स्किन रिलैक्स लगती है और करना भी अच्छा लगता है, उतारना भी अच्छा लगता है। तो अभी ये जो है ना क्लींजर, ये इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए जब भी मैं मेकअप उतारती हूँ इस टिश्यू को मैं हमेशा खुशबू सूंघती हूँ पहले और फिर मैं अपना मेकअप उतारती हूँ। तो ये जो सारा मेकअप है वो मैं उतार के अभी आती हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद मेकअप उतार दिया और आज मैं ना ये स्नेल ट्रूशिका मिरेकल रिपेयर स्टार्टर किट जो है वो मैं लगाने जा रही हूँ। इसका SNS पे ये बहुत बड़ी फेमस हो गई थी ये वाली किट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिसको स्किन प्रॉब्लम्स है ना वो लोग ये यूज़ कर रहे थे और बहुत फ़ायदा हो रहा था, तो मैंने भी ट्राई किया। और ये जो है वो है क्लींजर, जेल क्लींजर, जो कि ऐसा है ट्रांसपेरेंट दिखने में, तो मैंने सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं। इसमें ज़्यादा गाज नहीं हुई थी हाथों में, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। और मुझे ये अच्छा ही लग रहा था, खुशबू आ रही थी बहुत अच्छे से। और इस किट में ना सारे जो सैंपल टाइप थे, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं छोटे छोटे साइज़ में थे, ताकि शायद ये 1 वीक किट होगी या 10 डेज समथिंग, इसलिए हर चीज़ छोटी। तो ये मैंने फेस में धो के भी आ गई और ड्राई हो गया बातों बातों में ही। और अभी ना मैं क्या करूँगी, टोनर से अपनी स्किन साफ़ करूँगी। और टोनर क्या करता है, हेल्दी स्किन रूट करता है। और उसके अलावा जो हम फेस वॉश करते हैं तो pH लेवल जो है हमारी स्किन का इधर उधर जाता है ना, तो टोनर सारे स्किन को बैलेंस कर देता है, इसी वजह से टोनर जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं टोनर को इस कॉटन पैड पर लगा के स्किन को साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो जो मेकअप अगर पोर्स वगैरह में फंसा हुआ हो, नहीं निकला, तो वो ना ऐसे निकल जाता है, इसी वजह से टोनर इस्तेमाल किया जाता है। और अभी ना स्किन को अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ हर जगह से। और उस ऊपर से ना रोमी भी बहुत परेशान हो गया है कि ये क्या है मेरे हाथ में बॉटल, क्योंकि मैं कभी भी कोई नया सामान लेके आती हूँ ना तो रोमी हमेशा परेशान हो जाता है। तो ये मैंने सबसे पहले मुंह साफ़ कर लिया था ना, तो अभी जो बाकी है वो मैंने हाथों में लगा के और इसे टेप टेप करके अपने मुंह पे लगा दिया पूरा सा टोनर, ताकि स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। और बहुत अच्छा लगता है स्किन पे कुछ भी प्रोडक्ट करना, स्किन केयर करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना जो मैं है सीरम लगा रही हूँ, सीरम की बॉटल बहुत ही छोटी सी क्यूट सी थी, लेकिन अभी ना निकला नहीं था, बेइज्जती हो गई, लेकिन अभी ना चलो प्रेस करने से अभी निकला। और ये 2 ड्रॉप मैंने अपने चीक्स पे लगा दिए और सिंपली मैं इसको क्या करूँगी कि पूरे मुँह में फैला के लगा दूँगी, और ये स्किन वाइटलिटी अप करता है। और उसके अलावा ये सीरम क्या करता है पता नहीं, क्या करता है बस कुछ करता होगा। ये पूरा ना स्टेप वाइज है, स्टेप 1 2 3 4, 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली इस किट में, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और नॉर्मली भी ऐसे ही करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, फिर टोनर, सीरम और नाइट क्रीम। तो ये थोड़ा बहुत मसाज हो गया, अभी बस भी कर दूँ, यार कितना मसाज करूँगी, चलो अभी बस करते हैं। ओके, और हाथों को नहीं भूलिएगा। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ना ब्लैक स्नेल ट्रूशिका कॉम्प्लेक्स विथ रिवाइटलाइज योर स्किन, लिखा हुआ है ये बोतल में, लेकिन ये एक काइंड ऑफ नाइट क्रीम है जो कि सीरम के बाद लगाई जाती है। और ये ना बेसिकली क्या करती है कि स्किन में जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो उसको ख़त्म कर देती है। और उसके अलावा मैंने सोचा है किसी भी क्रीम में अगर ऐसा टेक्सचर हो जैसे क्रीमी क्रीमी हो रहा है ना, जैसे मैं ऐसे टेप टेप कर रही हूँ, तो वो स्किन के लिए हमारे अच्छी होती है। और उसके अलावा ये जो है
बस क्रीम है एक। तो ये सारे बेसिकली स्नेल से बनाए हुए हैं और स्नेल प्रोडक्ट तो सबने ही सुना होगा कि बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, ये मैंने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया और अच्छा ही लग रहा है। मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि स्किन में साइड इफ़ेक्ट होगा। मैं ना अभी ड्रेस चेंज करके आ गई मैजिक के साथ। ओके, सो नाइट रूटीन जो है स्किन का डन, उसके साथ साथ अपने आप को भी हाइड्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं ना कहीं पे तो ज़्यादा पानी पीना नहीं होता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रात को हमेशा पानी पी के सोती हूँ और अभी बस ब्रश वगैरह करूँगी, मेरा बेड सेट करूँगी एंड रेडी टू स्लीप। आज का दिन ख़त्म हो गया, उम्मीद है आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच अमानुल्लाह भाई एंड भाभी कि हमारे लिए इतनी इतनी अच्छी अच्छी खातिरदारी की, इतनी मेहमान नवाजी की। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।